घर तो होटल है ना, जब मन कहा आ जाए, जब मन चाहा घर से चले जाए, भूख लगी तो घर आ गए, फिर घर से वापस चले गए, ये घर होटल है ना। पढ़ाई लिखाई तो है नहीं, बस यहाँ वहाँ घूमते रहना है। एक काम करो, तुम घर में मत रहा करो, घर में रहा ही मत करो, बस तुमको बस भूख लगे तो आ जाना होटल में, फिर चले जाना। फ्री का होटल है, पैसे देने की जरूरत नहीं है, फिर चले जाना, बस यही काम है। वैसे आपने कितने दिन तक नहीं लाया बेटा? 1 वीक हो गया है, आपने अभी तक नहाया नहीं है। वाह, क्लैपिंग, अपना ही रिकॉर्ड आप सबने तोड़ दिया। इतनी गंदी गर्मी है, तुमने नहाया नहीं, शाबाश। जितनी गंदगी बचानी है मचा लो इस घर में। कितना दिन तक तुमने नहीं लाया तुमको याद है? रिकॉर्ड तोड़ दिया है तुमने। वेरी गुड बेटा, ऐसे ही क्या कीजिए आप? पढ़ाई लिखाई तो करनी नहीं है, मैं बोलूंगी तो पढ़ाई करोगे, नहीं बोलूंगी तो अपने बस दिन भर मोबाइल में लगे रहना। घुस जाओ टीवी में, एकदम घुस जाओ ही टीवी में, अंदर ही क्यों चुप जाते टीवी में, एकदम फेस टू फेस टीवी के बैठे हो। नहीं नहीं, घुस जाओ, ऐसे नहीं देखो, घुस जाओ टीवी में, घुस जाओ। बस टीवी से निकलना है मोबाइल, मोबाइल से टीवी, मोबाइल से टीवी, टीवी से मोबाइल, बस यही करना पूरे दिन। पढ़ाई लिखाई तो जिंदगी में कुछ करना नहीं है, कुछ हासिल करना तो है नहीं आप सबको, बस दिन भर टीवी देखो, फोन चलाओ, बस यही करना है। मैं बोलूंगी तो बस पागल हूं मैं, एक कान से घुसता है दूसरे कान से निकल जाता है। तब मोबाइल क्या हो गया है, 24 आवर्स तुम लोग मोबाइल टीवी, मोबाइल से हटे तो टीवी में, टीवी से हटे तो मोबाइल में, बस यही करना है जिंदगी में। और कुछ तो बचा नहीं है, बस खाना पीना टीवी देखना है, बस और कुछ तो है नहीं। सही है, करो बेटा, करो, कर दो। क्या कर रहे हो बेटा? तो फोन से बात कर रहे हो, थोड़ा सा पढ़ भी लिया करो, ये एग्जाम आ रहे हैं 1 वीक में, कब पढ़ोगे बेटा आप? पढ़ लिया कीजिए थोड़ा सा, अभी से प्रिपरेशन करोगे तो थोड़ा सा अच्छा एग्जाम जाएगा, माइंड में रहेगा। तुम्हें तो आदत हो गई है एक रात पहले जग के, पूरी रात बैठ के रात जग्गा करना है, पढ़ाई करना है, अभी से पढ़ोगे तो अच्छा एग्जाम जाएगा, प्रिपरेशन अच्छी रहेगी। एक रात में क्या क्या तुम पढ़ लोगे पहले ये बताओ, एक रात में क्या क्या पढ़ लोगे? अभी से ना पढ़ना चाहिए, अच्छा प्रिपरेशन जाएगा, बस तुम्हें तो आदत हो गई है, रात भर एग्जाम से पहले, एक रात पहले रात भर जागना है, यही करना है, ऐसे ही एग्जाम लेते हो हर बार। अच्छा बेटा, शाबाश, बहुत अच्छा करते हो, बहुत अच्छा करते हो, मेरा तो नाम रोशन करोगे एकदम, तुम बहुत अच्छा नाम रोशन करोगे, सही है। तुम्हें कभी मन नहीं करता है कि मैं भी टॉप बनूं, सबके तरह अच्छा रिजल्ट, अच्छा मार्क्स लाऊं, टॉप, मेरे क्लास में मेरा नाम अनाउंस हो, तुम्हें दिल नहीं करता है? अब देखो मैं बोल रही हूँ तो किताब लाने जा रहे हो, उतना जैसे मैं तुम्हें अपना दिमाग नहीं था कि जाके मैं पढ़ूं, बोल रही हूँ तो जा रहे हो, नहीं मतलब चाहते क्या हो? मैं तो सोचती हूँ कि बोलती ही क्यों हूँ, मैं सोचती हूँ कि तुम्हें फेल होने, फिर भी क्या करूँ माँ, दिल तो करता ही है बोलने का कि नहीं बच्चे को तो सही सलाह दूंगी, लेकिन तुम नहीं, बस बस कुछ मतलब कुछ नहीं करना है, मैं बोलूंगी तो करोगे, रोज का तुम्हारा यही है, जब मैं बोलूंगी तब पढ़ना स्टार्ट करते हो, नहीं बोलूंगी तो बस पढ़ना नहीं है, नहीं मतलब चाहते क्या हो कि मैं फेल हो जाऊं? देखो बेटा, मैं जो बोल रही हूँ सिर्फ तुम्हारे भलाई के लिए बोल रही हूँ, पढ़ोगे तो तुम्हारा ही भलाई होगा, नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा ही नुकसान होगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा, किसी का कुछ नहीं जाएगा, जो जाएगा तुम्हारा जाएगा, जो मैं बोल रही हूँ ना सुना करो बस। हाँ हाँ, अब मुझे पता है मैं रूम से बाहर जाऊंगी, एक कान से घुसा दूसरे कान से निकल गया, यही हाँ मुझे पता है, रोज का यही है तुम्हारा, मैं एक कान से घुसता तुम्हारा दूसरे कान से निकल जाता है मैं रोज का, बस मैं तुम लोग को लगता है कि बस मैं एक हो गई हूँ डायलॉग, मैं सुबह सुबह उठ के बोलती हूँ तुम लोग को, बस तुम लोग को बस एक कान से घुसाना है तो दूसरे कान से निकाल देना है। अच्छा यही कर, बहुत नाम मेरा रोशन करो बेटा। अच्छा गुड, ये नहीं है कि पढ़ाई करें, एग्जाम के 1 हफ्ते बच गए हैं, पढ़ाई करें, बोलोगी तो जाओगे पढ़ने, नहीं बोलोगे तो नहीं पढ़ोगे, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्या करूँ, ऐसे नालायक बच्चे मैंने पैदा किए, अब तुम लोग भाई बड़े हो गए, अब मुझसे नहीं होगा, मुझे माफ करो, मैं कितना एक बात के पीछे मैं पढ़ती रहूं, तुम लोग बड़े हो, तुम लोग खुद सोचना चाहिए कि नहीं हाँ जो माँ बोल रही है सही बोल रही है, अब मैं तुम लोग के पीछे नहीं पढ़ूंगी, जो करना है करो, लेकिन हाँ बेड साफ करके जाना, साफ करना बेड, मैं कुछ नहीं करूंगी, जो करना है तुम लोग को करना है, इतना तो तुम लोग कर सकते हो, मैं कुछ नहीं करूंगी, बस दिन भर लैपटॉप में, पता है क्या देखते हो लैपटॉप में, लैपटॉप में रहता क्या है, दिन भर लैपटॉप में,
पता नहीं क्या लैपटॉप में दिन भर घुसे रहते, पढ़ाई लिखाई तो है नहीं कुछ, करो जो करना है। अब मैं कुछ हाय मेरा बेटा कितना पतला हो गया, हॉस्टल वालों तुम्हें कुछ खिलाया नहीं है क्या, पैसा किस चीज का लेते हैं। अभी मैं जा रही हूँ, जाती हूँ देखती हूँ क्या क्या मतलब किस चीज का पैसा किस चीज का लेते हैं, कुछ खिलाते पिलाते नहीं है, शक्ल हालत अपनी देख रही है कितने पतले हो गए हो बेटा। मेरा बेटा ना एकदम शाहरुख खान है, शाहरुख खान बहुत मतलब विनोद से इन्हें बहुत शर्माता है। हाय मेरा बेटा, ओ माय गॉड, मतलब बहुत ज्यादा मतलब शर्माता है, क्या बोलूं इतना दुबला हो गया है बेटा। वैसे बताओ खाने में क्या खाओगे, मेरे हाथ के खाओगे ना अपने माँ के हाथ की बना अच्छी घी वाली पराठे खाना है ना, या फिर जो बेटा तुम बोलो मैं वो बना दूंगी, जो तुमको चाहिए मैं वो बना दूंगी, बस मेरे हाथ का खाना अपने माँ के हाथ का। तुम बस जाने से पहले एकदम तुम फिट फाट मोटे हो जाओगे तुम, मैं तुम्हें अपने अपने हाथ का बना खिलाऊंगी, वो हॉस्टल की तरह नहीं मैं खिलाऊंगी। आए मेरा बेटा कितना सूख गया है मेरा बेटा। बेटा दो पीस पिज्जे बचे ना, अच्छा कोई बात नहीं तुम दोनों हाफ हाफ पिज्जा बांट लो, मैं नहीं खाऊंगी, माँ तो सैक्रीफाइस कर सकती है लेकिन तुम लोग को ऐसे नहीं देख सकती, तुम लोग दोनों हाफ हाफ कर लो ठीक है बेटा। माँ से ऐसे बात करोगे, तमीज भूल गया तुम वहां जाके। बेटा ये मत भूलो मैंने तुम्हें अपने हाथ से खिलाया बड़ा किया है, ये मत भूलो इसी हाथों से मैंने तुम्हें बड़ा किया है। ऐसे तमीजी से बात कर रहे हो मुझसे, ऐसे नहीं करना बेटा, आज के बाद मैंने सुन लिया तुमसे ऐसे बदतमीजी, तो देख लेना माँ से तमीज से भी पेश आना, नहीं तो देख लेना तुम। हाय मेरा बेटा बिगड़ गया है वहां जाके। बेटा ऐसे कपड़े पहनोगे, ये ऐसे कपड़े तुम पे शोभा नहीं देते, जाओ भी जाके चेंज करो, ऐसे नहीं देखो ऐसे जो मैं कह रही हूँ सुनो बेटा, ऐसे बदतमीजी से नहीं बात करो, जो मैं कह रही हूँ ये कपड़े क्या पहने ऊट पटांगे पहने तुम पे, एकदम शोभा नहीं दे रहे, जाओ चेंज करके आओ। तो बेटा कहाँ जा रहे हो, जहां भी जा रहे हो टाइम पे मुझे बताओ, अपने भाई को लेके जाओ, अकेले नहीं जाना, भाई को लेके जाओ और टाइम पे आना है ठीक, 9 बजे आना है, उससे लेट एक मिनट भी लेट नहीं होना चाहिए, और मुझे फोन करते रहना हर जगह जगह कॉल करते रहना, तुम कहाँ गए किस वक्त गए कितने बजे गए हर एक बात तुमको बताना है, कुछ भी छुपाना नहीं है मुझसे। देखो फोन मुझे साइलेंट में नहीं रखना है, फोन मैं फोन करती रहूंगी, फोन बिल्कुल रिंग में रहना चाहिए, अगर रिंग से हटा तो देख लेना बेटा क्या होगा, और अपने भाई को साथ ले जाओ, अकेले नहीं जाना है। और हाँ घर आना, जिससे बात करना है 10 बजे से पहले बात करो, 10 बजे के बाद कोई बातचीत नहीं, फोन ऑफ करके सो जाना है बस, जो मैं कह रही हूँ उतने। और तुम जिससे जिससे बात करती हो उन सभी का मुझे फोन नंबर लैंडलाइन नंबर सब मुझे चाहिए, कुछ भी नहीं मुझे छुपाना है। और हाँ कहीं भी किसी से बात नहीं करना, शिमला जाना है, अभी तो तुम शिमला गई थी कुछ दिन पहले, बहुत तुम्हारा घूमना फिरना हो रहा है, घूमना फिरना बंद करो, एग्जाम आ रहे हैं भाई, कल से मुझे 15 घंटे तुम्हें पढ़ने देखना चाहिए, अगर मैं देख रही तुम पढ़ नहीं रही हो तो देख लेना फिर क्या मैं करूंगी, पापा से मैं शिकायत कर दूंगी, फिर जो करना है पापा करिए, मैं कुछ नहीं करूँ। पॉकेट मनी चाहिए, अभी तो मैंने कुछ दिन पहले पॉकेट मनी दिया, तो इतना खर्च कहाँ करती हो जो तुम्हें हर महीने तुमको एकदम बहुत जल्दी तुम्हारा खत्म हो जाता है, वीकली खत्म हो जाता है पैसा तुम्हारा, तुम खर्चा कहाँ करती हो, मुझे सबका हिसाब किताब चाहिए, अभी चलो तुम सबका हिसाब किताब दो, तुम क्या करती क्या हो पैसे का इतना। वैसे आप किससे बात कर रही है अभी, इतनी रात हो गई है 10 बज रही है, किससे बात कर रही हो तुम, चलो फोन रखो, 10 बजे से पहले किसी से बात करना है कर लो, उसके बाद 10 बजे के बाद किसी से बात नहीं करना है, तो देख लेना तुम बहुत तुम बिगड़ चुकी हो, चलो तुम जाके पढ़ो, जाके थोड़ा रिवाइज करो, रिविजन करके सो जाओ, जाके कोई फोन नहीं चलाना, बहुत तुम फोन चलाना सीख गई हो, चलो जाके पढ़ो। कुछ नहीं तुम लोग को मिलता है, मिल गया नहीं मिला, तुम लोग कैसे ढूंढते जो मिलता नहीं है, थर्ड वाले रेक पे कॉर्नर पे जाके देखना रखा हुआ है, हो गया मिल गया, मतलब तुम लोग मतलब ढूंढते कैसे हो, मतलब मिलता नहीं है, वही चीज मैं ढूंढ लेती हूँ मिल जाता है, ध्यान नहीं रहता है कहाँ रहता है तुम लोगों का सामान, बस
पता नहीं ऊपर ऊपर ढूंढ लेती हूँ, मिलता नहीं है। मुझे तो मिल जाता है। टूट गया चश्मा? तोड़ दिया तुमने? कुछ पापा से डांट खाना। एक काम करो, जल्दी लो जल्दी लो, मैं बनवा के लाती हूँ। शाम होने तक मैं बनवा के ले आती हूँ, लाओ जल्दी से। ठीक है, मैं शाम होने तक इसे बनवा के मैं तुमको दे दूंगी, पापा को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, जाओ बेटा तुम आराम से पढ़ो जाके, तब तक जाओ। Hey guys, I think आपको ये टाइप्स ऑफ मॉम कैसा लगा ये वीडियो? आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। एंड आप सब जानते हो ये सब डायलॉग मॉम बोलती हैं, एंड मेरी मॉम बहुत बोलती हैं ये सब डायलॉग, तो मैंने उनसे कॉपी किया है अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा, मतलब जो मैंने इसमें बोला है। तो आई थिंक आप सबकी मॉम भी कमेंट करके मुझे बता दीजिए किसकी किसकी मॉम ने ये सब डायलॉग बोला है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा ना, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन लाने के लिए आप प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो गाइस मैं चलती हूँ, ऐसी अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।